रियल एक्सचेंज रेट्स स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल में हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर बात की थी तो आज हम रियल एक्सचेंज रेट पर बात करते हैं रियल एक्सचेंज रेट हाउ मच ऑफ अ फॉरेन गुड कैन गेट इन एक्सचेंज फॉर वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक गुड नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या था अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके एक यूनिट के बदले में आप कितनी फॉरन करेंसी ले सकते दैट वॉज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट रियल एक्सचेंज रेट क्या है कि एक पाकिस्तानी गुड के बदले में आप कितनी फॉरेन गुड्स ले सकते हैं इन रियल टर्म्स में हम बात करें इसके एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ रुपीज़ थ्री हंड्रेड पर डॉलर एंड इट कॉस्ट रुपीज़ नाइन हंड्रेड टू बाई अ बर्गर इन लाहौर कम्पेयर टू सिक्स डॉलर इन न्यू यॉर्क द प्राइस ऑफ अ बर्गर इन पाकिस्तान रेट यू एस एज पॉइंट फाइव पाकिस्तान में बर्गर नौ सौ रुपए का है और एक डॉलर जो है वो तीन सौ रुपये का इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी बर्गर की प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी होगी थ्री और अमेरिका में उसकी प्राइस है सिक्स ठीक है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के एक बर्गर के मुकाबले में अमेरिका में हाफ बर्गर मिलेगा या अमेरिकन एक बर्गर के मुकाबले में पाकिस्तान में हम दो बर्गर्स ले सकते हैं तो जब ये रियल टर्म्स में हम इसका कंपैरिजन करते हैं ये रेशो निकालते हैं तो दिस इज़ द रियल एक्सचेंज रेट So the real exchange rate is the price of domestic goods relative to foreign goods. So this E is the real exchange rate, this nominal exchange rate, this P is the price of domestic market and P is the price in the foreign country. So to simplify matter, वी assume that दैट country कंट्री a unique गुड इन रियलिटी कंट्रीज प्रोड्यूस मैनी गुड सो वी मस्ट यूज़ प्राइस indexes टू गेट पी एंड पी फॉर तो अभी तो हमने एग्जाम्पल समझने के लिए ये कहा कि जी एक बर्गर की प्राइस पाकिस्तान में और अमेरिका में कितनी है लेकिन जब हम पूरे बात करेंगे तो हम फिर इंस्टेड ऑफ़ टेकिंग अ प्राइस ऑफ अ सिंगल गुड हम ये करते हैं कि प्राइस इंडेक्स लेते हैं कि पाकिस्तान में प्राइस इंडेक्स क्या है अमेरिका में क्या है तो उससे हमारे पास फिर ये रियल एक्सचेंज रेट हम कैलकुलेट कर सकते इफ अ कंट्रीज़ रियल एक्सचेंज रेट इज़ राइजिंग तो इसका मतलब क्या होगा द गुड्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव रिलेटिव टू द गुड्स ऑफ द अदर कंट्रीज़ क्या पाकिस्तान में जो हमने अभी एग्जाम्पल ली थी कि नौ सौ के बजाय अगर बारह सौ का बर्गर हो जाता है और अमेरिका में अठारह सौ का ही रहता है तो इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन बर्गर पाकिस्तान की जो बर्गर है वो एक्सपेंसिव हो रहा है ठीक है सो इन अ फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वैन इ नॉम फॉल्स द डोमेस्टिक करेंसी हैज़ अंडरगॉन अ नॉमिनल डेप्रिसिएशन वेन इन राइजेज द डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बिकम स्ट्रांगर एंड अंडरगॉन द नॉमिनल एप्रिसिएशन तो करेंसी अगर आपका एक्सचेंज रेट कम होता है फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो इस कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं और अगर इसमें इजाफा होता है तो इसको एप्रिसिएशन कहते हैं जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में यही चीज़ अगर किसी मुल्क की करेंसी वीक होती है ठीक है एक्सचेंज रेट में कमी होती है तो उसे फिर हम डी वैल्यूएशन कहते हैं और अगर वो स्ट्रेंथन होती है तो उसे री वैल्यूएशन कहते हैं क्या बात यहाँ से कि फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट में अगर एक्सचेंज रेट में कमी वाकई हो रही तो हम उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और फिक्सड एक्सचेंज रेट में अगर उसमें कमी वाक हो रही तो उसे हम डी वैल्यूएशन कहते हैं और इसी तरह एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन सो द टर्म्स रियल अप्रीसीशन एंड रियल डेप्रीसी रेफर टू द चेंज इन द रियल एक्सचेंज रेट तो ये कमी और इजाफ़ा अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हो रहा है तो हम उसे सिम्पल अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कह रहे हैं और अगर ये इजाफ़ा रियल एक्सचेंज रेट में हो रहा है तो उसे हम रियल एप्रिसिएशन और रियल डेप्रीसीन कहेंगे सो जस्ट इन टर्म्स को समरइज़ किया गया कि फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट में अगर उसमें चेंज आती है ठीक है उसमें इजाफा होता है तो उसे हम ऐप्रिसिएशन कहेंगे लेकिन अगर आपका एक्सचेंज रेट फिक्स है तो उस इजाफे को रीवैल्यूएशन कहेंगे और इसी तरह कमी अगर हो रही है फ्लेक्सिबल में तो उसे डेप्रिसिएशन और अगर ये फिक्स एक्सचेंज रेट में हो रही है तो उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है थैंक यू